नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना एसआर खान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उनका निधन हो गया है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क। 94 साल की उम्र में शफीकुर रहमान बर्क का निधन हुआ है। शफीकुर रहमान बर्क का नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो पहली लिस्ट जारी की गई थी उम्मीदवारों की, उसमें भी शामिल किया गया था। एक बार फिर से उनको चुनाव मैदान में उतारने की समाजवादी पार्टी की तैयारी थी। और इस बीच ये खबर संभल से सांसद समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क, जो सबसे उम्रदराज सांसद थे देश में, उनका निधन हो गया है 94 साल की उम्र में। मुरादाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने ली है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी उबैदुर रहमान इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं उबैदुर रहमान से। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे बर्क साहब, अस्पताल में भर्ती भी थे। किस समय निधन हुआ है, क्या जानकारी मिल रही है उबैदुर रहमान? देखिए रुमाना, अभी थोड़ी देर पहले ही उनकी जो इंतकाल की खबर है वो मुझे जो मुरादाबाद के सांसद हैं डॉक्टर एस टी हसन, उन्होंने बताई है। अभी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क संभल से सांसद थे और मुरादाबाद के निजी अस्पताल में से जो हॉस्पिटल में पिछले काफी दिनों से एडमिट थे और मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी जो है वो इंतकाल हुआ है। पिछले दिनों उनको देखने के लिए खुद अखिलेश यादव भी आए थे और काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। 94 साल की इनकी उम्र थी और समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर इनको प्रत्याशी घोषित कर दिया था, जो पहली लिस्ट जारी हुई थी। इनके परिवार में बेटा है और जो इनका पोता है जियाउर रहमान बर्क, वो मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इनकी एक पोती है, वो डॉक्टर है खुद, तो वही इलाके में निगरानी कर रही थी और काफी कोशिश की डॉक्टरों ने। एक बार तो थोड़ा वो ठीक भी हो गए थे लेकिन फिर अब अचानक से उनकी तबीयत जो है वो सुधार नहीं हुआ और काफी उम्र थी इसलिए कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मुरादाबाद के अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा था। जब पार्लियामेंट का आखिरी सेशन था तो तब ये दिल्ली एडमिट थे लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तो उसके बाद से यहीं पर इलाज चल रहा था और उनकी देख रेख की जा रही थी। लेकिन क्योंकि उम्र काफी थी और कमजोरी बहुत ज्यादा थी तो इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाए। बहुत शुक्रिया आपका उबैदुर रहमान इस तमाम जानकारी के लिए। तो नहीं रहे समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। 94 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती थे और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना एसआर खान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उनका निधन हो गया है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क। 94 साल की उम्र में शफीकुर रहमान बर्क का निधन हुआ है। शफीकुर रहमान बर्क का नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो पहली लिस्ट जारी की गई थी उम्मीदवारों की, उसमें भी शामिल किया गया था। एक बार फिर से उनको चुनाव मैदान में उतारने की समाजवादी पार्टी की तैयारी थी। और इस बीच ये खबर संभल से सांसद समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क, जो सबसे उम्रदराज सांसद थे देश में, उनका निधन हो गया है 94 साल की उम्र में। मुरादाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने ली है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी उबैदुर रहमान इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं उबैदुर रहमान से। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे बर्क साहब, अस्पताल में भर्ती भी थे। किस समय निधन हुआ है, क्या जानकारी मिल रही है उबैदुर रहमान? देखिए रुमाना, अभी थोड़ी देर पहले ही उनकी जो इंतकाल की खबर है वो मुझे जो मुरादाबाद के सांसद हैं डॉक्टर एस टी हसन, उन्होंने बताई है। अभी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क संभल से सांसद थे और मुरादाबाद के निजी अस्पताल में से जो हॉस्पिटल में पिछले काफी दिनों से एडमिट थे और मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी जो है वो इंतकाल हुआ है। पिछले दिनों उनको देखने के लिए खुद अखिलेश यादव भी आए थे और काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। 94 साल की इनकी उम्र थी और समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर इनको प्रत्याशी घोषित कर दिया था, जो पहली लिस्ट जारी हुई थी। इनके परिवार में बेटा है और जो इनका पोता है जियाउर रहमान बर्क, वो मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं।
उनकी एक पोती है वो डॉक्टर है खुद, तो वही इलाके में निगरानी कर रही थी और काफी कोशिश की डॉक्टरों ने, एक बार तो थोड़ा वो ठीक भी हो गए थे लेकिन फिर अब अचानक से उनकी तबीयत जो है वो सुधार नहीं हुआ और काफी उम्र थी इसलिए कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मुरादाबाद के अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा था। जब पार्लियामेंट का आखिरी सेशन था तो तब ये दिल्ली एडमिट थे लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तो उसके बाद से यहीं पर इलाज चल रहा था और उनकी देख रेख की जा रही थी लेकिन क्योंकि उम्र काफी थी और कमजोरी बहुत ज्यादा थी तो इसलिए सरवाइव नहीं कर पाए। बहुत शुक्रिया आपका उबैदुर्रहमान इस तमाम जानकारी के लिए। तो नहीं रहे समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बल्ख, 94 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती थे और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली।